राजनीतिक और सामाजिक विकास को एक साथ धरातल पर लाने का प्रयास करने वाले वैसे कम ही महात्मा होंगे जिसने अपना संपूर्ण जीवन भारत माँ की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हीं में से एक महात्मा थे चंडिका दास अमृतराव देशमुख, जो आगे चलकर नाना जी के नाम से विख्यात हुए। महाराष्ट्र के परभणी जिले के एक छोटे से कस्बे में 11 अक्टूबर 1916 को जन्मे नाना जी का बचपन काफी संघर्षपूर्ण था। बचपन में ही उनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया, पर उनके अंदर शिक्षा प्राप्ति को लेकर जो अटूट अभिलाषा थी वो उनके छोटे मन को डिगा नहीं पाई। वे हर हाल में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, जिसके लिए वे मंदिर में रहे, किताबें खरीदने के लिए सब्जी बेचकर पैसे कमाए, पर पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। उन्होंने पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह 30 के दशक में आरएसएस के संपर्क में आए। उनकी तीव्र बुद्धि और संगठनात्मक कौशल से प्रभावित होकर आरएसएस संघ संचालक श्री गुरु जी ने उन्हें प्रचारक के रूप में गोरखपुर भेजा। कुछ दिन बाद वह उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बनाए गए और फिर भारतीय राजनीति में संगठनात्मक कुशलता और नेतृत्व क्षमता के बूते सन 1950 से सन 1977 तक अमिट छाप छोड़ी। आपातकाल के समय नाना जी ने समग्र शिल्पी की भूमिका निभाई। उनके संगठन कौशल का परिणाम भी निकला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता ने आपातकाल को उखाड़ फेंका। नाना जी जनता पार्टी के सूत्रधार बने और पहली बार केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उन्हें कैबिनेट मंत्री पद देने की घोषणा की, लेकिन सेवा को सर्वोपरि मानने वाले नाना जी ने इस आमंत्रण को विनम्रता पूर्वक नकार दिया। उनका कहना था कि 60 वर्ष के बाद राजनीतिज्ञों को राजनीति छोड़कर रचनात्मक प्रकल्पों में जुट जाना चाहिए और फिर राजनीतिक गलियारों को सदा के लिए अलविदा कह अपने कदम गांव की पगडंडियों की ओर बढ़ा दिए। इस महात्मा का बस एक ही सपना था, मानव जीवन का विकास कैसे हो। वो ग्राम जीवन को एक नई दिशा देना चाहते थे। लोक जीवन को उनके भविष्य का रास्ता दिखाना ही उनका आखिरी मकसद था, जो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने गाँव में सेवा प्रकल्पों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि साधनों के संरक्षण एवं सामाजिक विकास के लिए एकात्म कार्यों की शुरुआत की। देश में पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की। पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद को मूर्त रूप देने के लिए नाना जी ने दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। नाना जी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 95 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2010 को इस महान पुरुष ने सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। आज देश ने इस राष्ट्र ऋषि को खो दिया है, लेकिन उनके उत्कृष्ट कार्यों ने उन्हें सदा के लिए अमर बना दिया है। आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन।